अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू ऑरी शॉर्ट्स। कल की वीडियो अपलोड हुई, आप लोगों ने देखी, इन्जॉय की, बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स किए। और बड़ी मज़ेदार सी बात यह है कि आई थिंक ये वीडियो एक स्पेशली हमारे ग्रुप में थोड़ा सा ज़रा हीटेड किस्म की डिबेट बन गई, बिकॉज पीपल वर ऑफ द डिफरेंट ओपिनियन। कुछ लोगों ने इंटरनेशनल मीडिया में जो बातें कही गई उनको शायद किसी और परस्पेक्टिव में ले लिया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आपकी तमाम की तमाम चीज़ों को एड्रेस कर दूँ। द बिगेस्ट थिंग दैट आई हैव रिसीव्ड अंटिल नाउ इज कि क्या ये एक साइबर अटैक था। जहाज पे साइबर अटैक हो सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जहाज पे बहुत सारे कंप्यूटर्स ऐसे हैं जिनमें आप घुस सकते हैं, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। लेकिन क्या ये एक साइबर अटैक था, तो इसके बारे में मेरा जवाब है नहीं, ये साइबर अटैक नहीं था। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो शिप्स के ऊपर रह रहे होते हैं, इनफैक्ट अगर आप एयरप्लेन्स भी देखें तो सिवाय टीवी और ड्रामों के कि जहाँ पे आपको ये दिखाया जाता है कि किसी ने एयरप्लेन हाईजैक कर लिया और एरोप्लेन को हाईजैक करने के बाद उसमें ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, ये कर दिया, फलां कर दिया, धमाका कर दिया, एरोप्लेन्स के भी और हमारे जहाज़ों के भी, हम लोगों की जो वाइटल कंट्रोल्स हैं वो स्पेशली इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं कि जब तक मैनुअली इनपुट नहीं होगा वो चीज़ वहाँ से मूव नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल जहाज़ की स्पीड पूरी की पूरी आप सॉफ्टवेयर बेस्ड होती है ना, आपने फुल हेड दिया, डेड स्लो हेड दिया, स्लो हेड दिया, जैसे जैसे आप अपना लीवर मूव करते जाते हैं वो सॉफ्टवेयर आगे कम्युनिकेट कर रहा होता है, सॉफ्टवेयर नीचे इंजन रूम में कम्युनिकेट करता है और आपका इंजन के आरपीएम उसी हिसाब से चेंज होते हैं और जहाज़ की स्पीड तब्दील होती है। इसको क्या हम एक सॉफ्टवेयर की मदद से हैक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो जो पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं ना कि जब आपने जो है वो इंजन की स्पीड को कम ज़्यादा करना है, वो जब तक आप मैनुअल इनपुट नहीं देंगे वो नहीं हो सकता। आपने पहली किक देनी है, जहाज़ को स्टार्ट करना है, वह जहाज़ को आप रिमोट बैठ के स्टार्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल हवाई जहाज़ की तरह। वो फिल्मों ड्रामों की बात अलग है, लेकिन स्पेशली हमें इस चीज़ के बारे में पता है और इल्म है कि अगर चीज़ें हैक कर ली जाएँ तो उनके साथ क्या कुछ होता है। इसलिए जहाज़ के वाइटल कंट्रोल्स जो हैं उनको कभी भी सॉफ्टवेयर्स के साथ कनेक्ट नहीं किया जाता। कोई भी बंदा दूर बैठ के जहाज़ के पैरामीटर्स देख सकता है कि जहाज़ कितनी स्पीड कर रहा है, कितने आरपीएम कर रहा है, आज की स्लिप कितनी आई, ये तमाम चीज़ें दूर से मॉनिटर हो सकती हैं, लेकिन वो जहाज़ की स्पीड को ऑल्टर नहीं कर सकता। तो अगर कोई ये कह रहा है कि उसने दूर बैठ के और जहाज़ के पैरामीटर्स को इस तरह चेंज कर दिया है कि उसने जनरेटर शट डाउन कर दिए, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये नहीं होता और ना ही हो सकता है। सो नो, ये साइबर अटैक नहीं था। ऐसे साइबर अटैक नहीं होते होते, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होती। फिक्शन तक बात ठीक है, हकीकत में नहीं होता। ये साइबर अटैक भी हो सकता है, मीडिया ने कुछ इस किस्म की बात की और उसके बाद लोगों ने उसके ऊपर चटाने चटाने जाना पूरा पहाड़ खड़ा कर दिया। और फिर हकीकत टीवी वाले को तैयार, मैं क्या ही कहूँ, वो बंदा हर मामले, मतलब मैं कहना नहीं चाहता था बट टुडे आई थिंक आई शुड, वो बंदा शिपिंग का मामला हो, किसी चीज़ का मामला हो, सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट बन के वो बैठा हुआ होता है और द काइंड ऑफ थिंग दैट ही स्प्रेड्स दे आर जस्ट स्टूपिड, आउटराइट स्टूपिड। उस बंदे बरमूडा ट्रायंगल में क्या क्या मतलब बुलशिट मारी हुई है, पता नहीं किन किन टॉपिक्स को उस बंदे ने बढ़ा चढ़ा के और क्या क्या बयान कर दिया। एक मैं वो जेम टीवी की वीडियो देख रहा था बरमूडा ट्रायंगल के बारे में, चार पहलू वाले बादल, कौन से चार पहलू वाले बादल यार, बादल पूरी दुनिया में एक ही जैसे होते हैं, चाहे आप दुनिया के किसी भी जगह पर चले जाएँ, वो बरमूडा ट्रायंगल एक जगह का नाम है, वो कोई आई डोंट नो। और ये लोग अपने ज़मीर के साथ ये लोग जिंदा कैसे रहते हैं इस तरह की वीडियोस बनाकर, इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैला के, जिसमें कि मेरे जैसे लोग, वी आर ट्राइंग टू स्प्रेड द रियल इन्फॉर्मेशन जो कि लोगों को चाहिए, ये लोग अपने ज़मीर के साथ जिंदा कैसे रहते होंगे। अच्छा जी, अगली चीज़ कि जहाज़ का अगर जो है वो पावर फेलियर हो गया था तो पावर फेलियर को रिकवर भी तो किया जा सकता था। हाँ जी, किया जा सकता था, लेकिन रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा इसकी गारंटी ना आप दे सकते हैं ना मैं दे सकता हूँ। ये उस फॉल्ट के ऊपर डिपेंड करता है, उस फॉल्ट को कितने स्पेयर चाहिए उस पर डिपेंड करता है, उस पर मैन पावर कितनी चाहिए इसके ऊपर डिपेंड करता है। हमारी पूरी ना पावर फेलियर की चेकलिस्ट होती है, तो उसके शुरू के पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इनिशियली फटाफट चीज़ें असेस करनी होती हैं कि टाइम कितना चाहिए, ये कितना चाहिए, वो कितना चाहिए। जब एक पावर फेलियर होता है ना, वैन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पावर फेलियर, इट कैन बी अ वेरी स्मॉल ब्रेकर, आपके घर में भी जो ब्रेकर्स लगे होते हैं, खैर घर में तो नहीं लगे होते, जहाज पर बड़े ब्रेकर्स लगे होते हैं, कई कई किलोवाट के होते हैं, कर इट कैन बी मतलब एज सिंपल थिंग है, बस आपने एक ब्रेकर को रीसेट करना और पावर जो है वो रिस्टोर हो जाएगी। बट इट कैन बी अ बिगर थिंग, आपके जो जनरेटर है वो सिंक्रोनाइजेशन में नहीं आ रहे, एक को चलाते हैं दूसरा बंद करता है, दूसरे को चलाते हैं ओवर करंट, करंट बैक फ्लो हो रहा है। देर कैन बी सो मेनी थिंग्स दैट कैन गो रॉन्ग, एंड रेक्टिफाइंग अ पावर फेलियर कैन टेक एनी वेयर फ्रॉम 5 मिनट्स अप टू फ्यू डेज। वी हैड अ पावर फेलियर ऑन वन ऑफ द वेसल्स, और उस जहाज़ को अपने पावर फेलियर को रिकवर करने में इट टुक देम मोर देन 28 आवर्स। शाम को 5 बजे पावर फेलियर हुआ था और अगली रात 9-10 बजे के आसपास जो है वो रिकवर हुई थी पावर। सो ऐसे कोई मजाक नहीं होता, ये घर का ब्रेकर नहीं लगा हुआ, जहाज़ पे बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी होती है। और दूसरी बात यह कि कही जा रही है कि जी उसको पावर हम कहीं और से भी तो दे सकते थे, ऊपर हेलीकॉप्टर आएगा वो उसको पावर दे देगा, तो हेलीकॉप्टर जैसे उसको जहाज़ को पावर देगा, जहाज़ को पावर पहले चाहिए कितनी होती है आपको इस चीज़ का इल्म है, अगर हेलीकॉप्टर जहाज़ को पावर देगा बहरी जहाज़ को, तो हेलीकॉप्टर को पावर कौन देगा, वो हवा में कैसे रहेगा।
मतलब थिंग्स आर आउट राइट. तो फिर के चलते हुए जहाज को दूसरे जहाज से पावर दी. यार आपको पता है पहले के एक जहाज को दूसरे जहाज से पावर दी कैसे जाती है? डू यू नो दैट मैकेनिज्म? फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुडंट बी सेइंग दिस इन सो सच अ हार्श वर्डिंग, बट यू हैव नो आइडिया. ये घर की बात नहीं हो रही है, हमने कोई बिजली का प्लग हमसाए को पकड़ा के नहीं लगाना है. और अगर हम अपने घर से भी दूसरे पावर घर में पावर शेयर कर रहे हो, तभी हमें कम से कम तार चाहिए होती है, जो बाजार से लाने में आधा पौना घंटा लगता है. उस जहाज का तकरीबन कोई 20-25 मिनट पहले पावर फेलियर हुआ था और 20-25 मिनट में ब्रेसर टकरा गया. तो ये खैर ये सारी की सारी जो है ना ये बच्चों वाली बातें हैं कि दूसरे जहाज से दे देते. सर्विस बोर्ड का साइज देखा है? सर्विस बोर्ड के अंदर इतनी पावर भी नहीं होती कि वो जहाज की क्रेन को चला सके. पूरे जहाज को चलाना तो बहुत दूर की बात है. सो नहीं, ये ऐसे नहीं होता. ये मतलब कॉन्स्पिरेसीज भी बढ़ाई जा रही है ना कि जी पावर दी जा सकती थी लेकिन दी नहीं गई, जबकि हकीकत ये है कि पावर दी ही नहीं जा सकती थी इसलिए दी ही नहीं गई. उसके बाद कि जी आपका जहाज की पावर फेल हो गई है तो आप मैन्युअली रडर को मोड़ के और जहाज को आपने क्यों नहीं मोड़ा? भाई जहाज का रडर आपने देखा है कि कितना बड़ा होता है, और आपको पता है कि जहाज पे रडर को स्टीयर करने के लिए, रडर को घुमाने के लिए जो स्टीयरिंग गियर लगा होता है वो कितना बड़ा होता है. मैंने स्टीयरिंग गियर रूम की पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जाके देखें एक बार, ताकि आपको कम से कम पहले ये अंदाज़ा हो कि स्टीयरिंग गियर होती क्या चीज़ है. और दूसरी बात ये कि ये हम बहरी जहाज़ की बात कर रहे हैं. इट इज़ अ वेसल दैट इज़ मोर देन 900 फीट लॉन्ग. इट इज़ अ वेसल दैट इज़ ह्यूज इन साइज. ये वो पुराना कैप्टन जैक स्पैरो का जहाज़ नहीं है कि जिसपे एक बंदा खड़ा हो एक पहिए को घुमा रहा होगा. ये पहिए आजकल जहाज़ों पर नहीं होते क्योंकि ये जहाज़ों पर हो ही नहीं सकते, इसलिए नहीं होते. आजकल जहाज़ों पर जो प्राइमरी और सेकेंडरी मीन्स ऑफ स्टीयरिंग है दोनों ही हाइड्रोलिक होते हैं और दोनों ही इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक होते हैं. दोनों ही को इमरजेंसी पावर की ज़रूरत होती है. इफ़ यू सी दिस वीडियो, इसमें पावर रिस्टोर हुई है. जब पावर रिस्टोर हुई आपकी लाइटें ऑन होगी, लाइटें तो फ़ौरन ऑन हो जाती हैं. उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगता है आपकी स्टीयरिंग रिस्टोर होने में. जब आपकी स्टीयरिंग इवन अगर रिस्टोर हो भी जाएगी तो स्टीयरिंग रिस्टोर होने के बाद भी आपका रडर इनइफेक्टिव होगा, एटलीस्ट मोस्टली इनइफेक्टिव होगा, 40-50% इफेक्टिव होगा. क्यों? क्योंकि आपका प्रोपेलर नहीं चल रहा, आपका मेन इंजन नहीं चल रहा. मेन इंजन जब चलता है तो वो रडर के ऊपर पानी फेंकता है. जब वो रडर के ऊपर पानी फेंकता है तो रडर को आप घुमाएंगे तो आपका जहाज घूमेगा. जब आपका मेन इंजन नहीं चल रहा तो रडर की इफेक्टिवनेस 30-40% रह जाती है. दूसरी बात यह कि अगर आप इस वीडियो को दोबारा गौर से देखें तो पहले पावर रिस्टोर हुई है, उनका स्टीयरिंग बीच में हुआ होगा रिस्टोर. ऐसे में आप क्या कर सकते हैं ज़्यादा ज़्यादा? थोड़ा सा हार्ड पोर्ट हार्ड स्टार्ट दे सकते हैं कि किसी तरीके से आप जो है जहाज का वे को कट ऑफ करें. उनके पास की दोबारा पावर फेलियर हो गया. देखिए आई वुडंट बी सेइंग दिस, लेकिन आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है ना जहाज चीज़ क्या होती है. जहाज एक घर नहीं होता, जहाज एक छोटी सी कश्ती नहीं होती. आपने जो जो चीज़ें देखी है ना और जिन चीज़ों को देख के आप चीज़ों को एज्यूम कर रहे हैं, जहाज उनमें से कोई भी चीज़ नहीं होती. जहाज उन सबसे बहुत बड़ी चीज़ होती है. और द थिंग्स आर वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड ओवर देयर. आप पतले नहीं बल्कि फिट हो गए हैं. यस, बल्कि इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि मैं फिट अभी हुआ नहीं हूँ, आई एम इन प्रोसेस, तो दैट वोंट बी रॉन्ग. अभी काम चल रहा है. इट सीम्स दैट ब्रिज हैज बीन डिस्ट्रॉयड डेलिबरेटली टू गेट सम गोल सिमिलर टू दैट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर. वाई शिप इज एम्ड राइट टू. यार आप लोगों को ये क्यों लग रहा है कि ये दुनिया का पहला जहाज है जिसकी पावर फेलियर हुई है? WTC की बात और थी, और उसमें मैं आपसे एग्री करता हूँ, वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट कहानी थी. ना तो ये दुनिया का पहला पावर फेलियर है, ना ही आखिरी होगा. सेम बात मैंने तब भी कही थी जब हम स्विस कैनाल की वीडियो मैंने बनाई थी, और मैंने वो वीडियो बनाई थी 2018 में, जिसमें मैंने बताया था कि जहाज़ जब स्विस कैनाल में फंसते हैं तो उसको ब्लॉक किस तरह करते हैं, क्योंकि हमारे जहाज़ों से पहले भी स्विस कैनाल को ब्लॉक कर चुके थे. लेकिन जब बड़ी ब्लॉकेज हुई, बड़ी खबर बनी, ज़्यादा लोगों को पता लगा, मीडिया ने ज़्यादा हाइप क्रिएट की, ऑफकोर्स ट्रेड वगैरह रुक गया, सब कुछ हो गया, तो फिर सब लोगों को पता चलना शुरू हो गया. फिर लोगों ने कहा जहाज़ फंसा कैसे स्विस कैनाल में? ना सिर्फ उस वक्त वो एवरग्रीन फंसा था, उसके बाद भी जहाज़ फंसे. क्या आप लोगों को पता है इस बात का? नहीं पता ना, क्योंकि आप लोगों को इसलिए नहीं पता क्योंकि मीडिया ने उसको नहीं बढ़ाया चढ़ाया, क्योंकि उसने ट्रेड को अफेक्ट नहीं किया, क्योंकि उसने चीज़ों को अफेक्ट नहीं किया, इसलिए मीडिया ने उसको नहीं बढ़ाया चढ़ाया. तो आपको क्यों लगता है कि पावर फेलियर का पहला वाकया है? मेरा ख्याल है कि जिस दिन पावर फेलियर हुई थी ना, उसके बाद भी एक दो वाकयात और हो चुके होंगे. हमारा आई थिंक जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि साल पहले की बात है, सिंगापुर स्टेट में एक जहाज़ की पावर फेलियर हुई, उसने टर्न किया, और इसी तरीके से एग्जैक्टली सेम सिचुएशन के वो राइट में टर्न ले रहा था, पावर फेलियर हो गई, रडर स्टॉप रिस्पॉन्डिंग, जहाज़ एकदम पूरा घूमा, पीछे से दूसरा जहाज़ आ रहा था, वो दूसरा जहाज़ आके सीधा इसके मिडल में इसके अंदर घुस गया. अच्छा खासा बहुत बड़ा डैमेज हुआ, खाली मलेशिया में खबर चली, लेकिन चूंकि उसको दुनिया का ट्रेड इफेक्ट नहीं हुआ, दुनिया में उसकी हाइप क्रिएट नहीं हुई, दुनिया में उसकी खबरें नहीं चली, तो इसलिए आपको उसका नहीं पता. पावर फेलियर मैंने आपको क्या बताया कि इस साल मैंने खुद एक और देखा है कि शाम को 5 बजे पावर फेलियर हुआ, अगली रात को 8 बजे रिस्टोर हुआ. जहाज़ के हर एक्सीडेंट और हर इंसिडेंट की खबर तो आप तक पहुंच सकती ही नहीं है, इतने ज़्यादा जहाज़ हैं दुनिया में.
आप तक सिर्फ वही खबर पहुंचती है जो कि अच्छी खासी बड़ी हो चुकी होती है। अब इसमें चूंकि एक ब्रिज डिस्ट्रॉय हो गया है, तकरीबन 6 लोगों की जान चली गई है, पोर्ट के अंदर जहाज है वो पोर्ट के अंदर ही रह गए हैं, जो बाहर है वो बाहर ही रह गए हैं, जब तक ये पोर्ट खुलेगी नहीं तब तक आपका ट्रेड नहीं चल सकता, इसलिए आपको खबरें सुनने को मिल रही हैं। वरना ऐसा नहीं है कि आप लोग पता नहीं क्यों जब भी कोई जहाज़ का वाकया होता है आप लोग ये एज्यूम करना शुरू कर देते हैं कि शायद ये दुनिया का पहला और आखिरी और सबसे बड़ा वाकया है। ये बात दुरुस्त नहीं होती, ना दुनिया का वो पहला वाकया होता है, ना आखिरी, और ना ही वो दुनिया का सबसे बड़ा वाकया होता है, ऐसा नहीं है। बाकी आपने ब्रिज के टूटने को किसी चीज़ से जोड़ना है तो सर जोड़ते रहे, वो आपकी अपनी मर्जी है, मैं उसमें आपको क्या कह सकता हूँ, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। एक और चीज़ है वो ये कही जा रही है कि जी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत सारी गाड़ियाँ ब्रिज पर थी, ये था वो था। पहली बात तो ये कि मैंने VHF लॉग्स का मुतालिया किया है जिसमें जहाज़ ने ख़ुद ऑलरेडी बाल्टीमोर के ब्रिज के ऑपरेटर को बता दिया था। ये जहाज़ बहरहाल जब भी ब्रिज के नीचे से गुजरते हैं तो ये बताते होते हैं, इससे पहले बताया कि मुझे मेरी पावर फेलियर हो गई है तो उसके बाद ट्रैफिक रोक दी गई थी, तो उस वक्त ब्रिज के ऊपर जो है वो ट्रैफिक नहीं थी। इवन अगर आप इस वीडियो में देखें तब भी ट्रैफिक ब्रिज के ऊपर मौजूद नहीं है। इसके अलावा मेरे अपने यार दोस्त और अहबाब बाल्टीमोर में मौजूद हैं, चैनल के बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स भी बाल्टीमोर में मौजूद हैं, हमारी ओन शॉर्ट्स फैमिली के बहुत सारे अफराद बाल्टीमोर में मौजूद हैं, मेरी कई लोगों से बात हुई है, तो इट इज़ ट्रू कि वहाँ पर सिर्फ वो 6 ही लोग जो हैं वही हादसे का शिकार हुए हैं और बाकी ये कि जानी नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ। तो अगर आपने फिर भी उसके ऊपर हाइप क्रिएट करनी है कि जी गाड़ियाँ पानी में गिर गई, ये हो गया, वो करते रहे, मैं अब उसका मैं तो कुछ नहीं, मैं तो आपको वही चीज़ बता सकता हूँ जो चीज़ मैंने आपको बताई है, जो चीज़ मुझे पता है, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बता सकता, और जो मेरे तक तस्दीक शुदा खबर पहुँचेगी मैं वही आपको बता सकता हूँ। मैं आपको देखें अफवाहें मैं आपको नहीं बता सकता, अफवाहें आपने देखनी है तो फिर हकीकत TV आपके लिए बेस्ट है, वहाँ चले जाएं आप। सर वेट लूज़ करने मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, जाके देख लें आप, ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है। बहरहाल ये इंपॉर्टेंट सवाल थे जो कि आए हुए थे और आप लोगों ने बार बार पूछे थे, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपको उनका सबका जवाब दे दूँ एक ही वीडियो में, ताकि मेरा ख्याल है कि काफ़ी सारे लोगों को अपने सवाल का ना सिर्फ एक जवाब मिल जाएगा बल्कि शायद उनको सिचुएशन को बेहतर तरीके से समझने में भी आसानी होगी। उसके बावजूद अगर आप किसी कॉन्स्पिरेसी पर यकीन रखते हैं, किसी कॉन्स्पिरेसी में जाना चाहते हैं और आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ चीज़ ऐसी है जो कि सही नहीं बताई, तो इट्स ऑल अप टू यू। फाइनली इट इज़ योर डिसीजन ऑफ व्हाट टू बिलीव एंड व्हाट नॉट टू बिलीव। मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं आपको ये बता दूँ कि हकीकत क्या थी हकीकत TV के बरक्स आज वैसे इस बंदे का जिक्र बहुत ही ज़्यादा हो गया, वो भी रमज़ान में। एनीवे, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर दो यार। आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो चैनल ग्रो करेगा और चैनल ग्रो करेगा तो मेरा दिल भी साथ में ग्रो करेगा। मीन टाइम अगर आप मेरी वेट लॉस की जर्नी देखना चाहें तो वेट लॉस की जर्नी लिंक होगी यहाँ पर, और अगर आप ये देखना चाहें कि पिछले साल हमने रमज़ान में जहाज़ पर रोज़े गुजारे कैसे थे, तो वो वीडियो लिंक होगी यहाँ पर। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। विद Tons of love to my Orange Shorts family and to be Orange Shorts family, this is me Zahid Nisar. आप लोग देख रहे हैं Orange Shorts और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।